हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज और आप देख रहे हैं पेट चला। आशा करता हूँ दोस्तों आपका पेट स्वस्थ होगा, मस्त होगा और आप उससे खुश भी होंगे। दोस्तों बहुत से व्यूवर्स जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका जो रेड हेड है, मतलब ये जो आ जाओगे ये जो सिर का ऊपरी हिस्सा है जो रेड कितने दिन में होता है, तो उसका मैं जवाब इस वीडियो में देता हूँ। दोस्तों इसका जो रेड वाला हिस्सा है ये जो आता है ये प्रॉपर जो बनने लगता है मतलब 18 महीने के समथिंग के बनने लगता है, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे रेड जो फेदर्स हैं आने लगते हैं 18 महीने की उम्र में। तो जैसे जैसे इसकी उम्र होती जाती है 18 से जब ये 2 साल का हो जाता है, मतलब जो 4 महीने का जो गैप है मतलब इसके अंदर इसकी पूरी प्रॉपर रेड हेड हो जाती है। तो दोस्तों ये भी अभी 18 महीने का होने में आया है तो इसका भी रेड आने लग गया है। ये बहुत शैतान है और ये टेम है, मतलब बिल्कुल इधर उधर आता रहता है, ये बाहर ही रहता है तो आप देख ही सकते हैं। और ये 18 महीने का होने में उससे ज़्यादा है, बल्कि जब ये प्रॉपर 2 साल का हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर जब 24 महीने का हो जाएगा तो इसका पूरा जो हेड है वो रेड हो जाएगा, तो आप देख ही सकते हैं। आ जाओ मिट्टू, आ जाओ, ये आता है ऐसे और आप देख सकते हैं ये मेल है। और बाकी जो व्यूअर्स पूछते हैं मतलब मेल और फीमेल में डिफरेंस कैसे करें बच्चों में, मतलब बच्चों में करना बहुत ही मुश्किल है फिर भी लोग पूछते हैं कि कैसे करें, तो उनका जो जवाब रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, वो उसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा कि आपको छोटे बच्चे होते हैं मेल और फीमेल में डिफरेंस कैसे पता चल सकता है, तो उसके लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, तो उस खर्चे के लिए रहिए तैयार और वीडियो के लिए भी रहिए तैयार। दोस्तों वीडियो आप तक पहुँचे इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन बटन को दबाना पड़ेगा और वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे वीडियो आती है आपको पता चल जाएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं प्लमेट के, जो छोटे बच्चे होते हैं बेबी होते हैं उनका मेल और फीमेल डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं दोस्तों। मैंने जो इन्फॉर्मेशन है छोटी क्विक इन्फॉर्मेशन है, ऐसी क्विक इन्फॉर्मेशन आती रहेगी चैनल पर और ऐसे ही आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपका पेट स्वस्थ होगा, मस्त होगा और आप उससे खुश भी होंगे। जो भी क्वेश्चन है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से उनका जवाब दे दूंगा। जो भी नए नए क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं लूँगा और उनका जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगा।